नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। क्रिसमस भले ही ईसाइयों का त्योहार हो, लेकिन प्रयागराज के सभी मुस्लिम परिवारों के घरों में क्रिसमस में खास तौर पर बनने वाले प्लम केक को बनाने का काम होता है। अपने खास हुनर के चलते इन मुस्लिम परिवारों के हाथों से बनाए गए प्लम केक की मांग प्रयागराज ही नहीं बल्कि यूपी के कई शहरों में है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मुस्लिम क्रिश्चियन भाईचारे की अनोखी मिसाल। क्रिसमस में मुस्लिम बनाते हैं प्लम केक। क्रिसमस में ईद की तरह का रहता है माहौल। क्रिसमस भले ही ईसाइयों का त्योहार हो, लेकिन प्रयागराज में क्रिसमस के त्योहार ने सैकड़ों मुस्लिम परिवारों के घरों में खुशियां भर दी हैं। इन सभी मुस्लिम परिवारों के घरों में क्रिसमस में खास तौर पर बनने वाले प्लम केक को बनाने का काम होता है। अपने खास हुनर के चलते इन मुस्लिम परिवारों के हाथों से बनाए गए प्लम केक की मांग प्रयागराज ही नहीं बल्कि यूपी के कई शहरों में है, जिसके चलते इन दिनों इन मुस्लिम परिवारों के यहाँ ईद की जैसी ही खुशियों का माहौल है। क्रिसमस का इंतजार कर रहे ईसाई परिवार का त्योहार इन मुस्लिम परिवारों के हाथों से बने खास क्रिसमस केक के बिना पूरा नहीं होता। दरअसल पूरी दुनिया में क्रिसमस के इंतजार के कुछ घंटे ही बाकी रह गए हैं। चर्च दुल्हन की तरह सजाए गए हैं, लेकिन प्रयागराज के एक मुस्लिम परिवार में क्रिसमस में ईद सी रौनक है। जी हाँ, प्रयागराज के कटरा इलाके में अब्दुल वतीम और उनका पूरा परिवार इन दिनों ईसाइयों के त्योहार क्रिसमस के लिए केक बनाने में लगा हुआ है। सुबह से लेकर देर रात तक उनके घर में उसी तरह आने जाने वालों का मजमा लगा रहता है जैसे ईद के मौके में मिलने वाला मजमा उनके यहाँ लगता है। तो वही कई ग्राहक सुबह से अब्दुल की बेकरी में इस इंतजार में बैठते हैं कि कब उनके केक बनने का मौका आए और वो ड्राई फ्रूट से बने प्लम केक को लेकर क्रिसमस मनाने के लिए अपने घर जाए। इसके लिए अब्दुल और उनके परिवार का शुक्रिया फरमाना नहीं भूलते। और सबसे खास बात यह है कि केक में इतने प्रकार के मटेरियल पड़ने से लोगों की इम्यूनिटी पावर बढ़ाने में भी कारगर साबित होगा। सेट के समय से अंग्रेजों के समय की ये दुकान है जहाँ पर अधिकतर लोग केक बनवाने आते हैं और यहाँ की जो केक बनता है उसका स्वाद बहुत ही बढ़िया होता है। इसमें केक में हर तरह के मेवे डाले जाते हैं जिससे हमारा इम्यूनिटी पावर बढ़ता है। और यहाँ पे मतलब बहुत साफ सफाई के साथ केक बनता है। ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग आते हैं। अरे हम तो कम से कम 10 सालों से आ रहे हैं। और इनका केक जैसा पहले था स्वाद वैसे आज भी बन रहा है। और इस केक में हम लोग जो है ड्राई फ्रूट्स डालते हैं, इतना मेवे इतने पड़ते हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, जो आज के कोरोना के मतलब पीरियड में बहुत हम लोग के लिए हेल्पफुल है। तो वही अब्दुल बताते हैं कि उनका परिवार लगभग 1865 से इस काम को कर रहा है। चार पीढ़ियों से उनके यहाँ प्लम केक ही बनता आ रहा है। इसी केक की आमदनी से अब्दुल के पूरे परिवार की रोजी रोटी चलती है। अब्दुल और उनके परिवार के हाथों बनाए जाने वाले प्लम केक के चर्चे देश के कई शहरों तक पहुंच गई है। यही वजह है कि अब्दुल का केक अब कई शहरों में भेजा जा रहा है। यही वजह है कि अब्दुल को क्रिसमस का भी उतना ही इंतजार रहता है जितना ईद का रहता है। हमारे दादा परदादा इसमें थे। हमारे यहाँ केक की अलग बात है, इसलिए हमारे यहाँ केक में जो मसाले पड़ते हैं वो कहीं बेकरी में इसका यूज नहीं है। कहीं भी हम लोग अपना स्पेशल मसाला डालते हैं इसमें, और इसी स्पेशल मसाले की वजह से हम लोग बहुत मशहूर हैं। बनारस, कानपुर, लखनऊ, कई शहरों में हम इसमें जानकारी हमको बहुत है। बहुत रहती है हमारे यहाँ, और इसी सफाई की वजह से हमारे यहाँ भीड़ होती है। काजू, बादाम, अखरोट और जायत्री, जायफल, दालचीनी, लौंग, इलायची सब इसमें पड़ा होता है। अंग्रेज़ की हुकूमत से ये काम चलता चला आ रहा है। हमारे यहाँ जो फ्रूट केक बनते हैं, ड्राई फ्रूट केक बनते हैं, उसमें मेवा, मसाला, अखरोट, काजू, पिस्ता, बादाम, चीनी, घी, अंडे ये सब पड़ते हैं। और बड़ी साफ़ सफाई से काम किए जाते हैं, ये बहुत अच्छी तरीके से। बहुत दूर दूर के लोग आते हैं, यहाँ तक का हमारा केक दुबई तक गया पार्सल होके। अब्दुल जैसे ही कई मुस्लिम परिवार प्रयागराज शहर में क्रिसमस का ये खास केक बनाने के माहिर हैं।
उन सभी परिवारों को पूरे साल क्रिसमस का भी बेसब्री से इंतजार रहता है। क्रिसमस के इस खास प्लम केक से इनको इतनी आमदनी हो जाती है कि इनका पूरा साल खुशियों के साथ गुजर जाता है। इन मुस्लिम परिवारों और ईसाई भाई परिवारों के बीच दिल को सुकून देने वाला वही भाईचारा देखने को मिलता है जो इस मुल्क की माटी की पहचान है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। हमारी खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।